नमस्कार दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बच गया है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और बड़ा बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर लोग इस बात को लेकर बड़ा हंगामा मचा रहे हैं कि भैया तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया लेकिन गुजरात के चुनाव इसके साथ क्यों नहीं कराए जा रहे गुजरात के चुनाव भी होंगे इसी के साथ होंगे लेकिन रिजल्ट दोनों के एक साथ आएंगे मतदान की तिथियों में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा ये बात तो तय मानी जा रही है लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो चुनावों की रिजल्ट हैं वो एक साथ ही आएंगे और मुझे लग रहा है कि उसी दिन गुजरात के भी नतीजे सामने आ जाएंगे यही वजह है कि अभी तक तारीखों में थोड़ी सी डिले हो सकती है गुजरात की तारीखों में लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ ही रिजल्ट उनका आने वाला है ये तो आप तय मानिए कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने इसका ऐलान किया कि यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं और एक ही चरण में चुनाव यहाँ का निपटने जा रहा है और हमेशा से ही ऐसा होता रहा है और इन्हीं तिथियों में हमेशा मैंने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होता रहा है तो यही वजह है कि कोई इसमें ज़्यादा अंतर मुझे नज़र नहीं आया बारह नवम्बर को यहाँ पर नई सरकार का चुनाव होगा और आठ दिसंबर को नतीजे आएंगे ये बिल्कुल स्पष्ट है तो इतना डिफरेंस क्यों स्पष्ट है कि 12 नवंबर से और 8 दिसंबर के बीच में चुनाव की प्रक्रिया चलेगी गुजरात में इसी वजह से यहाँ की तारीखों को डिले किया गया है खैर सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि टिकटों को लेकर स्थिति अब क्या है अब सबकी नज़रें इस बात पर टिक गई हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर क्या पोजीशन में रहेगी कांग्रेस किस पोजीशन में लड़ेगी कल प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान का रैल, रैली का यहाँ से शुरुआत कर दी है राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे मुझे नहीं लगता कि वो गुजरात के या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आ पाएंगे लेकिन यहाँ पर ज़िम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है और प्रियंका गांधी ने पहले ही दिन बड़ा इमोशनल कार्ड यहाँ पर खेल दिया है आप सब लोग जानते होंगे कि इससे पहले की जो सरकार थी यहाँ पर वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने अपना एक घर बनाया है और शिमला से ए, सटा हुआ इलाका है छरबड़ा वहाँ पर इन्होंने अपना घर बनाने की बात कही थी और यहाँ पर इनका घर भी बना हुआ है उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दादी यानी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी राजनीति से रिटायर होने के बाद पहाड़ों में बसना चाहती थी और उनके सपने को मैंने पूरा किया है प्रियंका ने अपने संबोधन के दौरान कई बार इंदिरा गांधी का नाम लिया और हिमाचल के प्रति उनके लगाव का जिक्र किया विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की प्रियंका ने एक मंच से एकजुट होकर पार्टी को मजबूती के लिए काम करने का पाठ भी पढ़ाया छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बिना इस बार ये पहली बार है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ रही है नेतृत्व संकट से जूझ रही प्रदेश कांग्रेस की स्थिति से प्रियंका गांधी अच्छी तरीके से परिचित हैं चार अक्टूबर से प्रियंका शिमला स्थित अपने घर पर रुकी थी और वहीं से शुक्रवार को सोलन पहुंची जहां उनकी जनसभा थी और शिमला प्रवास के दौरान प्रियंका ने प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों को नज़दीक से देखा प्रतिभा सिंह जो यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरभद्र सिंह की बेवा सुखविंदर सिंह सिक्खू और मुकेश अग्निहोत्री ये तीन गुटों में इनकी पार्टी बटी हुई है और इसका पूरा फीडबैक प्रियंका गांधी ने अपने घर में जो दो तीन दिन का उनका प्रवास रहा उसके दौरान लिया है वो चार अक्टूबर जो यहाँ आ गई थी और अभी तक यहीं पर टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि वो यहाँ का चुनाव कैंपेन पूरी तरह से कंडक्ट करने जा रही हैं हालांकि उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था वो बहुत बुरी स्थिति में रही थी उस समय भी खबरें यह चली थी कि प्रियंका गांधी एक पुराना घर है वहाँ पर लखनऊ में इलाहाबाद में कहीं इनके परिवार से जुड़ा हुआ गांधी परिवार से उसमें रहेंगी लेकिन रही नहीं दिल्ली से ही अप डाउन करती रही और उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव उन्होंने हैंडल किया और यहाँ पर भी उनका जो सारी व्यवस्था है वो भूपेंद्र बघेल जो वहाँ के भूपेश बघेल जो वहाँ के सी हैं छत्तीसगढ़ के वो पूरा मैनेजमेंट कराए रहे हैं इस समय दो ही सी हैं अशोक गहलोत वो तो पैसा खर्च कर रहे हैं कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है जिसमें राहुल गांधी घूम रहे हैं उस पर और प्रियंका गांधी के साथ लगा दिया गया है भूपेश बघेल को और वो यहाँ पर उनके साथ कल मंच पर भी नज़र आए इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी ने हिमाचल के बारे में फीडबैक लिया उन्होंने ठोड़ो मैदान में पहुँच अपनी जनसभा को संबोधित किया मैं आपको बता दूँ कि ये वही मैदान है जहाँ पर अभी कुछ नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी उसी के अंदाज में ये रैली होने जा रही है हुई है और नरेंद्र मोदी की रैली भी अभी दो दिन पहले यहाँ पर हुई थी वो भी आप जानते होंगे वो दूसरे स्थान पर हुई थी तो इस रैली को लेकर सारी चीजें चल रही थी दूसरी ओर अब एक बोर मुद्दा है कि टिकट बीजेपी के कैसे निस्तारण होगा देखिए आज अमित शाह एक रैली को संबोधित करने वाले हैं यहां पर सतौन में सतौन इलाका है जो वहां पर संबोधित करेंगे अमित शाह और इसके बाद सुनने में आया है कि वो भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेंगे क्योंकि चुनावों की तिथियों का कल ही ऐलान हुआ है अब टिकटों के आवंटन पर चर्चा की जाएगी बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और भाजपा प्रदेश के एक प्रमुख नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे बैठक में टिकटों पर मंथन के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी और बैठक में सभी को कमल का फूल ही प्रत्याशी के मंत्र को बूथ कार्यकर्ता तक पहुंचाने का निर्देश दिया जाएगा हाईकमान ने यह भी तय कर लिया है कि जो मोदी हैं उन्हीं के नाम पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और अभी जो दो तीन दिन पहले यहाँ पर मोदी की रैली हुई जिसमें जिस तरह से जयराम ठाकुर ने सीएम ने नरेंद्र मोदी का आभार जताया और ये कहा कि यहाँ पर जितने भी कार्य हुए हैं एम्स बना है ये हुआ है सब का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया तो वो भी जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहाँ वोट मिल सकता है पिछले दिनों कुछ उपचुनाव हुए थे उन उपचुनाव में अच्छा घासा झटका लगा था इनको और उस उस झटके से अब तक ये उबर नहीं पाए हैं और जयराम ठाकुर ने ये कहा था कि उपचुनाव का जो सिनेरियो है वो थोड़ा और होता है लेकिन अब सब लोग मोदी जी के साथ हैं तो इसलिए यहाँ पर फिर से बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी मैं आपको बता दूँ कि भाजपा और उत्तराखंड उत्तरा उत्तराखंड उत्तर उत्तरा उत्तरा प्रदेश में भी इस मुद्दे पर बात कर चुकी है और टिकटों में हिमाचल में बड़ी संख्या में बदलाव होने जा रहे हैं लोगों की नाराजगी पार्टी से नहीं बल्कि व्यक्ति से होती है ये पार्टी जानती है इसलिए यदि प्रत्याशी को बदला जाए तो इसे ख़त्म किया जा सकता है कोर कमेटी की बैठक में निर्देश दिया जाएगा कि जिसे भी टिकट मिले उसको जिताने का दायित्व तो वहाँ के नेताओं का होगा प्रत्याशियों के लिए चार सर्वे भी किए गए हैं रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है टिकट आवंटन में रिपोर्ट कार्ड का, का, का काफ़ी महत्व होगा प्रत्याशियों की घोषणा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही होगी इससे पहले गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सतौन पहुंचेंगे और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की गई है और इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताने के लिए ये जनसभा हो रही है जिसमें अमित शाह जा रहे हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि ये नाहन शिमला के जो जिलाध्यक्ष हैं कि 1967 से यह इस क्षेत्र की प्रमुख मांग रही है और इस रैली का नाम हाटी आभार रैली का नाम रखा गया है तो सभी ने अपने पूरे घोड़े खोल दिए हैं सभी अपने दल बल के साथ मैदान में उतर रहे हैं और यहाँ के हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो सिनेरियो है वो किस तरीके का है क्या क्या यहाँ पर भविष्य नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए अभी जो मुके मुकेश अग्निहोत्री हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा कि अब 28 दिन की मेहमान रह गई है जयराम ठाकुर की ये सरकार उन्होंने सीधे प्रहार करना शुरू कर दिया है जयराम ठाकुर पर और कांग्रेसी ये जानते हैं कि जयराम ठाकुर कमज़ोर कड़ी हैं जयराम ठाकुर के बारे में अभी तक तो चर्चा ये थी कि पता नहीं वो फिर से सीएम बनेंगे या नहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है तो हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले समय में अनुराग ठाकुर को यहाँ पर सीएम बना दिया जाए लेकिन अब प्रियंका गांधी मैदान में आ चुकी हैं प्रियंका गांधी वहाँ पर टिक चुकी हैं हालाँकि मुझे तो प्रियंका गांधी का जो राजनीति करने का तरीका है कैंपेन करने का तरीका है वो बिल्कुल ही अजीब लगता है वो चुनाव के समय आती हैं और फिर अपने घर चली जाती हैं तो उनसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ प्रभाव यहाँ पर होने जा रहा है जो भी यहाँ पर वोट मिलेंगे प्रतिभा सिंह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं इन्हीं के अपने जो रसूख हैं उस पर मिल जाएं तो मिल जाएं वरना मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा चमत्कारिक काम कांग्रेस करने जा रही है कि उनको यहां पर सफलता इन चुनाव में हासिल हो यहां की स्थिति मुझे लग रहा है कि ऐसी रहेगी जैसी उत्तराखंड की हरीश रावत ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था और बेचारे अपना भी चुनाव हार गए थे और बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार में आ गई थी इस बार समीकरण ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में को बीजेपी सरकार रिपीट करने जा रही है और एक नया इतिहास रचने जा रही है हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी रहती है आगे भी बनी रहेगी अगर आप हिमाचल से हैं किसी भी शहर से हैं किसी भी विधानसभा सीट से हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझे दीजिए जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं मेरी मेल आईडी नीचे दी हुई है उस पर आप मुझे अपने फोन नंबर मेल कर सकते हैं अगर आप हिमाचल से हैं तो मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा चुनाव प्रचार के दौरान और फीडबैक लेने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार